Welcome back, dear students. Today our topic is democracy in the world, and our subtopic is the changing map of democracy. पिछले वीडियो में हमने पोलैंड और चिली की स्टोरीज पढ़ी थी और उससे हमें ये समझ में आया था कि क्यों डेमोक्रेसी लोग चाहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से लोगों ने जो मोनार्कल रोल था या डिक्टेटरशिप थी उसको ओवरथ्रो किया, और किस वजह से लोग जो है डेमोक्रेसी चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, जो 20th सेंचुरी है, 1901 से लेकर 2000 तक, इसमें डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ पर फैली और किन किन कंट्रीज़ में कैसे हुआ। ठीक है, तो 20वीं सदी जो थी इसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम डिक्टेटरशिप, फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। इसमें बहुत सारे मिलिट्री कोप्स भी हमने देखे, पोलैंड में हमने देखा, चिली में हमने देखा, इसके अलावा पाकिस्तान में भी मिलिट्री कोप हुआ। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे नेपाल में डेमोक्रेसी बहाल हुई, तो चेंजेस इसमें बहुत सारी आई, कहीं पर डेमोक्रेसी रेस्टोर हुई, कहीं पर मिलिट्री कोप्स हुए, तो बहुत सारी स्टोरीज इसकी। इसी बुक पे हाँ, हमें तीन मैप्स दिए गए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तीन मैप्स दिए गए हैं, ये वो तीन मैप, दिस फर्स्ट मैप। ये पहला मैप जो है इस पे दिखाया गया है कि ये जो रेड वाला है कि 1950 में किन किन ममालिक में डेमोक्रेसी फैली हुई थी, और ये जो येलो कलर है इसमें वो कंट्रीज दिखाई गई जो 1900 में डेमोक्रेटिक हो चुकी थी। इसके अलावा अगर हम मैप 1.2 देखें, इसमें फिर हमने देखा 1975 में कहाँ कहाँ जो डेमोक्रेसी है वो फैली हुई है, उसके बाद 2000 में कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पर डेमोक्रेसी फैली हुई है। इस मैप में अगर हम देखें तो जो 2000 में हम मैप देख रहे हैं, 2000 का मैप, इसमें ज़्यादा ये येलो कलर जो दिखा रहा है ये सारे जो है ये डेमोक्रेसीज है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ममालिक में, मोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स है जो इस समरी में है, वो ये है कि थ्रू आउट द 20th सेंचुरी जो डेमोक्रेसी है वो फैली है। दूसरा जो हम देख रहे हैं कि इवनली ये हर एक जगह पे नहीं फैली, पहले किसी किसी जगह पे डेमोक्रेसी थी, फिर उनसे इन्फ्लुएंस होके बाकी कंट्रीज जो है उनसे इन्फ्लुएंस होके वो भी डेमोक्रेसी की तरफ रागिब हुई। इसके बाद हमने देखा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज है आज की डेट में, यानी 2000 में, 21st सेंचुरी अगर हम देखें, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है, बहुत सारी पार्ट्स है वर्ल्ड में जो नॉन डेमोक्रेटिक है। तो रीज़न इसके लिए सिंपल है कि ये जो डेमोक्रेसी है एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है। अभी भी ये जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये इसको हम बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं एज कम्पेयर टू मोनार्की या डिक्टेटरशिप, लेकिन बेस्ट फॉर्म ये अभी नहीं बनी है। इसमें बहुत सारी अभी खामियां हैं जिसकी वजह से अभी भी ये पूरी दुनिया में फैली नहीं है, जो बहुत सारे लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इसमें बहुत सारे आइडियोलॉजिकल बैरियर्स भी है, रिलीजियस बैरियर्स भी है। तो इस चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी में जो हम देख रहे हैं कि 1950 की बात कर रहे हैं, तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, तो जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज जिसमें हमारा इंडिया भी है, हम आज़ाद हो गए, तो हमने भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी, और उसके बाद हमसे इन्फ्लुएंस होके बहुत सारी और कंट्रीज़ है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ अगर देखेंगे, यहाँ पे स्टोरी जो है वो 1900 से दी गई है, तो हमें ये देखना है कि इन मैप्स से हमें 2000 या 1900 से पहले की स्टोरीज, ये उस वक्त डेमोक्रेसी का क्या हाल था दुनिया में, ये हमें पता नहीं चलता है। अगर हम देखेंगे डेमोक्रेसी जो है ये बहुत पुरानी है, अगर आप आज जो 9th में आपकी हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर आप वो देखेंगे तो 1789 में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वो एक ऐसा इनकलाब है जिसने बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस किया, जिसने बाकी लोगों को इसके लिए
तैयार किया कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। अगर यहाँ हम देखेंगे कि वो कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं थी, बहुत बार वो ओवरथ्रो भी हुई, वहाँ पे डेमोक्रेसी आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई, लेकिन एक नींव उससे बनी। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1789 में ही डेमोक्रेसी जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, हालांकि उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन स्टिल वो डेमोक्रेसी थी और लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए थे। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे जो ब्रिटेन है, इसने बहुत सारी कंट्रीज को नॉर्थ अमेरिका में, लेटिन अमेरिका में इसने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, और 1776 में ही अगर हम देखेंगे बहुत सारी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो थी उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करार दिया और वहाँ पे भी डेमोक्रेसी बहाल हुई। और फिर वही कॉलोनीज जो थी, जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, जब वो इंडिपेंडेंट हुई उन्होंने ही मिलकर यूएसए बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये बहुत पुरानी है, लेकिन उस वक्त की डेमोक्रेसी और आज की डेमोक्रेसी में फ़र्क इतना है कि बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं था, औरतों को वोट डालने का हक नहीं था, जो गरीब लोग थे उनको वोट डालने का हक नहीं था। लेकिन अगर हम 20th सेंचुरी में देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आया, जैसे नेदरलैंड्स में आया, जैसे इंडिया में आया, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हुए 2000 में या 20th सेंचुरी में, हम कहेंगे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हुए जिसकी वजह से हम ये मैप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है दुनिया में, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ रागिब हो रही हैं। तो इसके बाद हमें एक और टॉपिक इसमें है कि डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। अब हम देखेंगे जो हमारे इंटरनेशनल लेवल, जो हमारे जैसे यूएनओ है, बाकी जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, उसमें कौन से लूप होल्स है और उसमें कौन से पॉजिटिव्स है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।